हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम देखेंगे राजस्थान में विभिन्न प्रकार के प्रजामंडल का जो गठन हुआ है उसके सन को देखेंगे, साथ में देखेंगे उनके कौन से संस्थापक थी। यहाँ पे हमने राजस्थान का पॉलिटिकल मैप ले लिया है और ये पुराना ही मैप है। इसमें हम प्रजामंडल जो गठन हुए थे उनको देखेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहला प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल। ठीक है, जयपुर प्रजामंडल यहाँ पे देखिए कहाँ पे है, अजमेर के पास में। ये रहा आपका जयपुर। जयपुर प्रजामंडल का गठन अगर हम बात करें किसकी अध्यक्षता में हुआ था, 1931 में। 1931 डेट याद रखनी है। और यहाँ पे आ जाते हैं आपके कपूर चंद पाटनी। कपूर चंद पाटनी ने इसकी दो बार निर्माण हुआ था, गठन हुआ था। कपूर चंद पाटनी आए सबसे पहले। उसके बाद में 1936 में सेठ जमनालाल बजाज। 1936 में आपको ध्यान रखना है कि सेठ जमनालाल बजाज और आपके हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री जी की अध्यक्षता में वापस से इसका पुनर्गठन हुआ। ठीक है, उसके बाद में आ जाते हैं हम आपके शाहपुरा प्रजामंडल पे। ठीक है, तो शाहपुरा इसमें नहीं है, पॉलिटिकल मैप में नहीं मिलेगा आपको, लेकिन ध्यान रखना है शाहपुरा प्रजामंडल का गठन हुआ है 1938 में। और किसके द्वारा, रमेश चंद्र ओझा के द्वारा इसका गठन हुआ है। ठीक है, रमेश चंद्र ओझा। उसके बाद में बूंदी प्रजामंडल देख सकते हो, बूंदी देखिए, ये रहा आपके हाड़ोती प्रजामंडल, जो झवाड़ कोटा बूंदी, यहाँ पे आपके बूंदी प्रजामंडल। ठीक है, बूंदी प्रजामंडल का गठन हुआ है, कब हुआ है इसका, एक तो ध्यान रखना है आपको 1931 में हुआ है। साथ में किसने किया है, कांतिलाल चौथाड़ी ने। तो कांतिलाल चौथाड़ी जी ने एक तो बूंदी का किया है, दूसरा एक किसका किया है आपके, किशन लाल किशनगढ़ जो प्रजामंडल है उसका भी गठन इन्हीं के द्वारा हुआ है। तो यहाँ पे बाद में ले लेंगे उसे। बूंदी के बाद में आ जाता है हमारा मारवाड़ प्रजामंडल, जोधपुर प्रजामंडल जिसे कह रहे हैं, ये रहा जोधपुर प्रजामंडल। ठीक है, तो जोधपुर प्रजामंडल का किसने किया है, जय नारायण व्यास ने। कौन सी डेट में किया है ये भी आपको पता होना चाहिए, 1934 में। 1934 में जय नारायण व्यास के द्वारा इसका गठन हुआ है। जय नारायण व्यास को मारवाड़ का गांधी भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहीं पे इसी घटना, जब प्रजामंडल गठन हुआ है उससे पहले 1942 के आसपास आपके यहाँ पे आए हैं। 1942 में ध्यान रखना है आपको, 1942 में जयनारायण व्यास और बाल मुकुंद बिस्सा के नेतृत्व में 41 सत्याग्रही थे, जिन्होंने जेल में खाना बहुत बेकार मिल रहा था, उनके द्वारा अत्याचार हो रहे थे, उनके विरुद्ध यहाँ पे इन्होंने क्या क्या सत्याग्रह किया। और इसी सत्याग्रह के दौरान बाल मुकुंद बिस्सा जी थे, उनकी डेथ हो जाती है, बाल मुकुंद बिस्सा। ठीक है, इसीलिए इन्हें राजस्थान का जतिन दास भी बोलते हैं। राजस्थान का जतिन दास आपसे पूछा जाए, जिस तरह से जतिन दास का भूख हड़ताल के समय डेथ हुई थी, उसी तरह से राजस्थान के जतिन दास कौन है, बाल मुकुंद बिस्सा। 1934 में जोधपुर प्रजामंडल का गठन हो गया, 1942 में ये घटनाक्रम हुआ है। अब आ जाते हैं जैसलमेर प्रजामंडल। तो जैसलमेर प्रजामंडल का गठन किसके द्वारा हुआ है, मीठा लाल व्यास, मीठा लाल व्यास के द्वारा हुआ है जैसलमेर प्रजामंडल का। और कब हुआ है ये भी आपको ध्यान रखना है, 1945 में ये गठन हुआ है। ठीक, और यहाँ पे जैसलमेर प्रजामंडल में जो राजनीतिक चेतना को जगाने का श्रेय जाता है वो सागरमल गोपा पे जाता है, सागरमल गोपा, जिन्होंने जैसलमेर में गुंडा राज की किताब लिखी थी। और इन पे बाद में जेल में यात्राएं देते हुए इन पे मिट्टी का तेल जला के इन्हें डेथ हो जाती है। और इसके बाद में इनकी जांच के लिए गोपाल स्वरूप पाठक जांच आयोग का भी गठन किया जाता है। ठीक है, इनकी जो हत्याकांड हुआ था इसकी जांच के लिए एक जांच आयोग बैठा जाता है, जिसको लेके क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जिसका नाम था गोपाल स्वरूप पाठक जांच आयोग। ठीक है, जैसलमेर में सागरमल गोपा के हत्याकांड को जांच करने के लिए गोपाल स्वरूप पाठक जांच आयोग बैठा जाता है। ठीक है, ये जैसलमेर का हो गया। और ध्यान रखना है 1945 में हुआ था मीठालाल व्यास के द्वारा, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। इसके बाद में आ जाते हैं हम मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ यहाँ पे, मेवाड़ में आपके उदयपुर वाला हिस्सा आ जाता है, तो यहाँ पे मैं मेवाड़ ही लिख दूंगा।
मेवाड़ से आपको ध्यान रखना है, मेवाड़ प्रजामंडल, ये किया था आपके माणिक लाल वर्मा ने, माणिक लाल वर्मा, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, मेवाड़ का गांधी भी बोलते हैं, ठीक है, मेवाड़ का गांधी भी इन्हें कहते हैं, ठीक है। दो गांधी हमारे पास में हो गए, एक राजस्थान के गांधी हो गए जयनारायण व्यास, यहां पे भी लिख देता हूं, सॉरी मारवाड़ के गांधी, मारवाड़ के गांधी हैं जयनारायण व्यास, ठीक है। माणिकलाल वर्मा, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी, 1938 में माणिकलाल वर्मा ने की थी। इसके प्रथम अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता और भूरीलाल व्यास थे, ठीक है। अब यहाँ पे नारायणी देवी वर्मा भी उदयपुर प्रजामंडल या फिर मेवाड़ प्रजामंडल से संबंध रखती हैं। इसके बाद में आ जाता है आपका बीकानेर प्रजामंडल, ये रहा बीकानेर प्रजामंडल। तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, मेगाराम बैद ने, मेगाराम बैद ने। पूछा जाए कब की थी, तो 1936 में की थी, 1936 में इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम कोटा प्रजामंडल, जिस सबसे पहले हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1934 में, लेकिन वो ज्यादा सक्रिय नहीं हुआ था, इसीलिए कोटा में राष्ट्रीयता या फिर राजनीतिक चेतना का जनक बोला जाता है नेलूराम शर्मा, उन्होंने इसकी स्थापना की 1939 में। तो कोटा प्रजामंडल का गठन हुआ 1939 में, और किसने करवाया था, आपके नेनूराम शर्मा ने करवाया था, नेनूराम ने, पंडित नेनूराम शर्मा ने 1939 में कोटा प्रजामंडल की स्थापना हुई। अब करौली प्रजामंडल, भरतपुर धौलपुर ये रहा करौली आपका, करौली प्रजामंडल की स्थापना कब हुई ये भी आपको ध्यान रखना है, ये प्रजामंडल कभी पूछे नहीं गए हैं तो इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम को लेके। तो इसकी स्थापना 1939 में हुई, और यहाँ पे कौन कौन इसके संस्थापक थे, तो त्रिलोक चंद माथुर, ठीक है, चिरंजीलाल शर्मा साथ में ही, चिरंजीलाल शर्मा, मदन सिंह के प्रयास से करौली प्रजामंडल की गठन हुआ। तो 1939 में तीन थे आपके, त्रिलोक चंद माथुर, चिरंजीलाल शर्मा और मदन सिंह के प्रयास से करौली प्रजामंडल। अब देखिए सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, गोकुल भाई भट्ट, और गोकुल भाई भट्ट को क्या बोलते हैं हम, राजस्थान के गांधी। तो तीनों गांधियों को हमने यहाँ पे पढ़ लिया, राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट है, मेवाड़ के गांधी माणिकलाल वर्मा है, मारवाड़ के गांधी जयनारायण व्यास हैं। तो गोकुल भाई भट्ट ने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब की थी, 1939 में, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अलवर, देखिए ये रहा आपका, तो इसे अलवर प्रजामंडल, ठीक है। अलवर प्रजामंडल की संस्थापक कौन थे, सबसे पहले इसकी स्थापना 1938 में हुई थी, 1938 में, और पंडित हरि नारायण शर्मा इसके कौन थे, संस्थापक थे, हरि नारायण शर्मा, ठीक है, हरि नारायण शर्मा के इसके संस्थापक थे। अब हम आ जाते हैं अलवर भरतपुर धौलपुर, ये रहा आपका भरतपुर, तो भरतपुर को लिख देते हैं हम इधर भरतपुर, ठीक है, ये मत्स्य संघ के भाग थे। इसकी हुई 1938 में, और कौन कौन थे यहाँ पे, किशन लाल जोशी और मास्टर आदित्येंद्र, किशन लाल जोशी और मास्टर आदित्येंद्र, ठीक है, मास्टर आदित्येंद्र और किशनलाल जोशी के द्वारा 1938 में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। अब देखिए आपके धौलपुर ये रहा आपके, धौलपुर में अगर हम बात करें, ऊपर ले लेते हैं इसे, धौलपुर में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में हुई, और कौन कौन संस्थापक थे ये भी आपको ध्यान रखना है, कृष्ण दत्त पालीवाल एवं ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, ठीक है, ओके। अन्य प्रजामंडल देखें तो देखिए किशनगढ़ यहां पे नहीं दे रखा है,
तो किशनगढ़ देख लेते हैं हम, किशनगढ़ भी यही लिख देता हूँ। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की थी कांतिलाल चौधरी ने, जो मैं बता चुका हूँ आपको, बूंदी और किशनगढ़ की कांतिलाल चौधरी जी ने की थी। ठीक है, डूंगरपुर प्रजामंडल, ये रहा आपके बांसवाड़ा डूंगरपुर। डूंगरपुर प्रजामंडल की संस्थापक कौन थे? भोगीलाल पांड्या। ठीक है, जिन्हें बांगड़ का गांधी भी कहते हैं। कब की गई थी उनके द्वारा? 1944 में की गई थी। 1944 में याद रखना है, इन्हें बांगड़ के गांधी भी कहते हैं। ठीक है, डूंगरपुर प्रजामंडल हो गया। बांसवाड़ा प्रजामंडल, ये रहा आपके बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा प्रजामंडल कब हुई थी? 1943 में। और कौन थे? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी इसके संस्थापक थे। ठीक है, कुशलगढ़ प्रजामंडल यहां पे नहीं है, तो ध्यान रखना है आपको, भंवरलाल निगम। भंवरलाल निगम इसके संस्थापक थे। ओके, और आपके झाला झालावाड़ प्रजामंडल रह गया एक, एक यहां पे लिख देते हैं हम, झालावाड़ प्रजामंडल 1946 में, मांगीलाल भव्य। ठीक है, ओके। प्रतापगढ़, एक आपके प्रतापगढ़ रह गया है, ये रहा प्रतापगढ़, और इसकी किसने की थी? 1945 में अमृतलाल पाठक व चुन्नीलाल। वह चुन्नीलाल इनकी अध्यक्षता में होती। तो मोस्टली मैंने यहाँ पे जितने भी मोस्ट आपके प्रजामंडल हैं सारे ले लिए हैं मैंने। वापस से देखें तो यहाँ पे कुछ जैसे राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट, इनके द्वारा 1939 में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें सारे आपके प्रजामंडल हैं। कोटा की नैनूराम शर्मा ने की थी, बूंदी और किशनगढ़ की कांतिलाल चौधरी ने जी ने की थी, कुशलगढ़ की भंवरलाल निगम ने की थी, अलवर आप देख सकते हो 1938 में पंडित हरि नारायण शर्मा थे उनके द्वारा की गई, बांसवाड़ा आपके 1943 में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के द्वारा की गई, करौली की त्रिलोक चंद माथुर चिरौंजी लाल शर्मा मदन सिंह के द्वारा की गई, भरतपुर की मास्टर आदित्येंद्र और किशन लाल जोशी के द्वारा की गई, शाहपुरा की रमेश चंद्र ओझा 1931 में कपूर चंद पार्टी ने जयपुर की थी, लेकिन बाद में इसका पुनर्गठन किया गया 1936 में सेठ जमनालाल बजाज एवं कीरला शास्त्री। धौलपुर का भी आपको ध्यान रखना है, 1936 में कृष्ण दत्त पालीवाल एवं ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। झालावाड़ की मांगीलाल भव्य ने की थी। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मेघाराम वैद ने की थी। मेवाड़ प्रजामंडल माणिकलाल वर्मा, जिन्हें मेवाड़ का गांधी कहते हैं। मारवाड़ के गांधी जयनारायण व्यास हैं, जिन्होंने जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। मीठालाल व्यास, जिन्होंने जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। और यहाँ पे ही आपके गोपाल स्वरूप पाठक जांच आयोग है, जिसमें सागरमल गोपा की हत्याकांड की जांच की थी। तो यहाँ पे सारे मैंने प्रजामंडल आपको बताने की ट्राई की है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कमेंट डाउन बिलो। एक बार स्क्रीनशॉट लेके आप पॉलिटिकल मैप पे भी वापस से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। धन्यवाद।